ससुराल के अंदर कुछ होगा बोल के, लेकिन अंदर सार अंक क्या कहते हैं क्या उसको, अक्षर से अक्षर है वो, 1 2 3 4 क्या संख्या है पता नहीं। सो गाइस अभी उसका खुशी के और पे हम यहाँ पर क्या पीने वाला है, चाय पीने वाला है। सो गाइस देखते हैं चाय क्या चाय पिलाते हैं, जाओ ये लो। हमारे यहाँ पर कैसे केटी करता है देखिए, कैसे हाल से रहता है देखो गाइस। सुबह सुबह नाश्ता नहीं क्यों ना, दरब दरब लगाया हुआ क्या, देखा लिया अभी पीर में दूसरा भाई का बागान बाड़ी दिखाने वाला हो। हमारा परिवार में जो सासा आता है ना, सासा का 2 बेटा 3 बेटा ऐसा लड़के रहता है, हमारा 3 है। जो नेक्स्ट देखाया मेरा बगल में उसका 2 है, और यहाँ पर 2 किसी का एक बेटा है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो धान का पौधा है, कुतिया कहते हैं उसको, पौधे है ये देखो गाइस, जमीन देखिए हमारा, ये पपाया भी लगाया हुआ था, पपाया अमिता कहते हैं। ये देखो मैंने आपको बोला था ना हमारा जमीन कितना है, सो उस तरफ तक है ऐसा करके, उस तरफ क्या क्या लगा हुआ है शायद गैस देखा नहीं पाएगा। ये देखो ये बेंदी है, और ये केरला लगा रहा है, देखो केरला, ये क्या नर्सरी पौधा है, ये कीड़ा खा है देखो, ये बहुत बड़ा बड़ा हो गया, अभी तक नहीं लगाया। मस्त अब जा रहा हो मेरा जंगल, हमारा मिसिंग एरिया में हमारा जोरहाट में हमारा जंगल फेमस था, कोई यहाँ पर आने जाने का लिए लुक डरता था, इतना डरावना जंगल थी, लेकिन अभी इतना नहीं है, शायद पूरा जंगल काट लिया, अंदर सेल कर दिया शायद। और यहाँ पर बेम्बो जो होता है, वो जो देख रहा है ना बेम्बो, वो हमारा आसाम में जागृत था ना, उधर पेपर का मिल था, पेपर बनाने का मिल था, तब ये पूरा बेम्बो सेल किया था, इस तरफ बेम्बो ही बेम्बो था, इस तरफ से उधर से बड़े पापा ने 5 लाख या 6 लाख से सेल कर दिया था, और ये अभी भी जंगल आधा बाकी है, वो आधा से इधर से सेल कर दिया था। उसके बाद वो देखो कितना, वो भी बड़ा जंगल है, अभी भी बहुत बड़ा जंगल है, उधर जाएगा ना आप लोग पूरा डर जाएगा आप लोग। ये देखिए गाइस ये बड़े भैया क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर बहुत पल लगा हुआ है, देखो मैं अंदर नहीं जाएगा, सांप ताप होगा शायद, ये देख सकते हैं मैं जूम, उसको बोल कहते हैं बोल, ये देखो ये क्या पौधा है, ये भी कीड़ा लगाने वाले हैं अभी। उस तरफ क्या क्या लगा हुआ है मैं इधर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, उस तरफ में नहीं जाएगा यार, ये देखो बेम्बो जंग से लगाया गया है, क्या क्या लगाया गया है पता नहीं, मैं इधर से फिर वापस मुड़ने वाला हूँ। दोस्तों मैं आप लोग को जितना हो पा रहा है हमारा फैमिली में हमारे परिवार में क्या क्या खेती क्या करता है भैया लोग, और मैं आप लोग को दिखाया मेरा ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल के जरिए, और मैं उधर व्यापारी आ रहा है, मैं उस दिखाने की कोशिश करेगा आप लोग को, ये पोतल जो है कितना निकला सासा लोग का और कितना रेट में दे रहा है। मेरा घर में मेरे मम्मी का अस्त होगा 30 kg ऐसा होगा, और इधर थोड़ा ज़्यादा होता है उन लोगों का, और मेरा वाला नेक्स्ट सैटरडे से आएगा। आप लोगों को तो दोस्त पता ही है हमारा जोरहाट बापला में खेती बाड़ी में फेमस है, और पोतल जू होता है, मैंने पहले देखा है पोतल जू है, 1 सप्ताह में 1 बार उसको सेल किया जाता है, अभी मार्केट में कितना भाव चल रहा है पता नहीं, हमारे यहाँ 50-45 चल रहा है। अगर आप लोग को मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हमारा ये यहाँ कहावत है नौकरी करने वाला भी पाता नहीं पाता है हमारा किसानों के साथ। किसान वाला भी किसी से कम नहीं है, आप लोग गेस करो गाइस, अगर जो पोतल खेती है पोतल खेती का जो मैंने आप लोग को पोतल खेती दिखाया पोतल क्या होता है, अगर 1 सप्ताह में 100 kg 1 क्विंटल कहते हैं 1 क्विंटल निकलेगा तो
कितना मिलेगा आपको 50 रुपीज़ से, आप कुछ गेस करो कितना होगा, 5,000। दो सप्ताह में कितना होगा, 10,000। 7 सप्ताह में कितना होगा, गेस करो। मैं क्या बोलूँ, कंपेयर कर नहीं सकता है, जॉब करने वाला का बराबर ऐसा जैसा ही है। सो नौकरी करने के वाले से भी ज़्यादा पैसा मिलता है हमारे यहाँ पर, इसीलिए नौकरियाँ इतना नहीं मिलने से भी लोग जॉब करने के लिए कोशिश करता है। मैं नहीं बोलूँगा जॉब करने वाला नहीं है, ज़्यादा ऐसे भी ये बहुत लड़के भी, ये भी डिफेंस में तो बहुत चला गया है, लेकिन ये नहीं कि जॉब नहीं होने से भी हमारा यहाँ ज़िंदगी अच्छी से गुजर सकता है। और मैंने आप लोग को बोल दिखाया, बोले ये इतना लंबा वाला, और कीड़ा दिखाया, लकी कुमरा कहते हैं ना, अगर उन लोग एक सप्ताह में 3 बार सेल करते हैं उन लोगों को, उन लोग जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है। जो पोतल होता है वो ज़्यादा निकलने के बाद उसको भी 2 सप्ताह में 2 बार सेल किया जाता है, नहीं तो एक ही बार सेल करता है। मैं आप लोग को एग्जाम्पल तो दे रहा हूँ, लेकिन अभी जो कि मैंने लाव देखा है, कुमरा कहते हैं ना, कुमरा देखा है ना, वो एक पीस अभी 30 रुपीज़ या 25 रुपीज़, 25 या 30 रुपीज़ है। अभी 100 से 100 से ज़्यादा है, मैंने आपको नीचे से देखा है ना, कितना होगा देखो गाइस, 30 रुपीज़ पर 20 पकड़ो, 100 पीस में कितना होगा। वो एक सप्ताह में 3 बार सेल करता है, एक सप्ताह में कम से कम वो 6-7 हज़ार देता है, और पतल भी देता है 5,500। एक सप्ताह में 12,000 कमा रहा है, तो एक महीने में कितना होगा लोग, 45,000 गेस करो। लेकिन आजकल का ज़माना लड़के ये नहीं सोचता है, पहले ज़माने में तो जिसका ज़मीन था, जिसका ज़मीन बगरा होता है, जो खेती पे खेती बाड़ी करता है, उसी के लड़के के साथ शादी दिया जाता है। आजकल लड़कियाँ हराम चाहते हैं, इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी इस दुनिया से 60 के उम्र में भी सेल बेचते हैं। काम करने का मन नहीं कर रहा है ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आराम से बैठ कर मेरा पति जॉब करता है, नौकरियाँ करता है, कहाँ पीकर आराम से बैठेगा, ये तुरी ना ज़िंदगी है, लाइफ है, लाइफ इज रेस, स्ट्रगल करो गाइस, काम करो, काओ करते रहो, तब जीने का मज़ा ही अलग होता है। किसी के सहारा लेकर जी के बैठ के खाना, ये तुरी ना ज़िंदगी है। पैसा हमेशा, ये पैसा क्या होगा बाद में, क्या होगा कल या। सो गाइस, शहर में कितना आप लोग को दिखा सकता हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करेगा। अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ गाइस, निकल रहा हूँ। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, हमारा बापला गांव में, जोरहाट बापला गांव में नमक, अंगर और एप्पल वही नहीं होता है, बाकी इस दुनिया में जितना फसल हो, जितना पोल हो, सब होता है गाइस। और आप लोग को बताने वाला हूँ गाइस, कभी नहीं बताया, मैं बाद में दिखाएगा। हमारे परिवार में ना बहुत जॉइंट फैमिली था, बहुत हमारा फैमिली जॉइंट फैमिली था। अभी पिला सफेद सफेद हो गया है, आँख सुराख हो गया है। सो 63 या 64 मेंबर था हमारा। अभी पिलर ये रास्ता देखिए यार, कितना खराब है। हाल इसमें भैया स्वीटर, एकदम खराब, मिशिंग का तो एगा ही फेमस है, एगा ही लगाना चाहिए। एगा के बाद भी कुछ लगाया हुआ है ना, नहीं बताऊंगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और गाइस, मेरे फैमिली के बारे में क्या बताऊँ, जितना भी बताऊँगा बहुत कम है। ओ आसाम बुक ऑफ ईयर में कौन सा किताब है, आसाम बुक ऑफ ईयर या आसाम ईयर ऑफ बुक, उसमें भी हमारे फैमिली के बारे में लिखा हुआ है। वो पहले इंटरव्यू में, पुलिस इंटरव्यू में आता था, और हमारा जब एक साथ रहता था हमारा फैमिली, और मीडिया लोग है, खबर, दैनिक जन्मभूमि, बातरी काकट, न्यूज लाइव लोग आया हुए थे, पुलिस के साथ भी आया हुआ था, लेकिन हम डर के तुरंत छुपते थे उसी टाइम। 65 मेंबर था हमारा, 9 सासा है हमारा मेरे पिता को लेकर, और एक दादा, एक दादाजी, दो दादी, दादी माँ, ते बहुत जॉइंट फैमिली हमारा गाइस। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सासा लुक का फैमिली देखो कितना पोतल लगा हुआ है उस तरफ से लेकर, सुबह 7 बजे आया था, ये देखो पोतल ऐसा रख के उस तरफ शिफ्ट कर देता है, उधर उधर रख देता है, ये देखो इतना कितना 2 बीघा होगा, देखो गाइस 10-12 बज जाएगा। उन लोग का बहुत पैसा मिलता है यहाँ का, अभी आज तो 6-7 हज़ार मिलेगा यहाँ से।
एक बीघा किया हुआ है ना, देखो उधर जो आप लोग को मैंने दिखाया लकी तोरो एंड कुमुरा का, उसी का बारी है मेरा, उस तरफ मेरा ज़मीन बगल में ही है मेरा। देखिए क्या हालत है उन लोग का, देखो हो गया अभी 10% बाकी है शायद। ये मामा जी लोग का लगा रहा है, मामा जी इसकी राइटर है, डायरेक्टर है, सब है, वो प्रोड्यूसर भी है। और हाल ही में मैंने मामा को बोला मेरा यूट्यूब चैनल में डालना है एक शॉर्ट मूवी है, वो पूरा रेडी करके रखा हुआ है, मैं टाइम नहीं मिला इसलिए बनाया है। मामा जी को मैं पूछने वाला है, मामा जी मैंने जो आपको बोला था शॉर्ट मूवी करेगा बोल के, वो कहानी किस ऊपर लिखा हुआ है? যুবক যুবতীর প্রেমের উপর হব, এজনী ভাল একটা ছোৱালী ইকতি ঘুরব, কিন্তু গোপনে বেমার এটা হয়ে থাকে, তো দাদাজনে জানিব ব্লাড ক্যান্সার, নকয় দেই বোলো মূর উড়া বলে কয়ে থাকে, লটোয় বহুত ভাল পায়, যিদিনা লটোয় ছোৱালীজনী নিজে গম পালে কিঞ্চু তো ক্যান্সার আমরা मामा जी ने तो उसका कहानी थोड़ा बता ही दिया था आप लोगों को अपने अपने लैंग्वेज मिसिंग लैंग्वेज में, और मेरा यूट्यूब चैनल के जरिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेरा चैनल में आप लोग देने वाले हैं। अभी खेती बाड़ी का सीजन है तो खेती फिनिश होने के बाद वो शूटिंग आरम्भ करेगा। वो फिल्म का नाम क्या है, टाइटल क्या? थैंक यू मामा जी, ओके बाद में मिलेगा। सुना है वो मेरा मामा है, हमारे गांव से ही है, नाटक थिएटर वगैरह हमारा जो थिएटर था डोंगने दिरबु ओपे का, वही डायरेक्टर है, स्क्रिप्ट राइटर वही है। सो मेरा गांव से है वो, बहुत साल से कल्चर में लगे हुए है। सो मामा जी अभी कुआरा है, शादी नहीं हुआ है, अगर आप लोग का उधर मामा जी के लिए एक लड़की हो तो शायद मुझे नंबर दे देना, मामा जी के लिए मैं सतर्क करा दूंगा। सो गाइस मामा जी ने मुझे कहा था कि, मैंने बोला था मामा जी मेरा चैनल में एक शॉर्ट मूवी आप लोग देना है, सो मामा जी ने पूरा स्क्रिप्ट लिख के रेडी करके रखा हुआ है, ऐसा बोला है, अपने मिसिंग लैंग्वेज में बोला गया है। सो आप लोग को देखने को मिलेगा अपकमिंग, अभी आ रहा है एक महीने के बाद। मैं जिस रास्ते से पहले आया था यहाँ का नज़ारा नहीं दिखाया, ये जो पिछाड़ी आप लोग को दिखाया था और ये बगल में आप लोग को दिखाया था ऊपर का वो ऊंचा वाला जमीन के, ये देखो ये 3 नंबर शाशा का है, देखो यहाँ पर वो बागान खुला हुआ है, ये देखो गैस मैं अंदर नहीं जाने वाला, अभी गौर की तरफ में जा रहा हूँ। ये 3 नंबर शाशा का बाहर ये बुआ है, हाय बुआ, हेलो बुआ है, उसका हस्बैंड पिलार 1200 पे देहांत हो गया है 30 साल, अभी लिंगा तो येस बारी लोग गिदाकुब मैं बारी से तो ऑलरेडी आ चुका हूँ, बाय बाय। ये देखो 3 नंबर चाचा का बागान है, अम्बे नहीं जाऊँगा यार, बहुत बड़ा है, ये भी देखो उस तरफ तक भी है, वो बड़े भाई काम करके जा रहा है अभी। मामा जी को उसका गाय ने बहुत तंग कर रहा है, इसीलिए जिधर भी रुकेगा उधर ही बांधेगा ऐसा कह रहा है। ये सब मामा जी लोग, ये देखो, और ये देखो पोतल, ये ऐसे भी किया जाता है, जैंग के ऊपर भी पोतल किया जाता है, देखो गाय इसमें जूम कर देता हूँ कैसे पल लगा हुआ है, ये देखो ऐसे भी लगाता है, जमीन में भी लगाता है, मैंने जितना दिखाया जमीन का दिखाया, ये ऊपर सासा लोग कैसा लगा रहा है, देखो ऊपर वाला है, ये तुरा इतना इतना लंबा है, ये देखो। अरे बड़े भैया तो पुराना गाना सुनने का बहुत शौक है, पुराना गाना ही सुनते हैं, देखो उसका हमेशा वो रहता है, मोबाइल में हो जो भी है रेडियो में हो वो काम कर रहा है, देखो वो पुराना गाना ही सुनते, उसका कलर तो
कलर टोन रिंग टोन भी पुराना ही गाने ही आएगा उसका। सुबह इधर चप्पल रख के चला गया था ना, अभी लेने वाला है मैं, मेरा चप्पल कोई तो चुरी नहीं क्या होगा ना, है अभी भी है। हाँ अभी गौर की तरफ जा रहा हूँ गाइस, ले लिया मेरा चप्पल, अभी जा। ये आप लोगों को तो मैंने सुबह ही दिखाई दिया था, इधर से ही मैं गया था सुबह ब्लॉग बना के। ये देखो गाइस, ये ज़मीन इधर से उस तरफ पूरा धान खेती इतना अच्छा नहीं होता है। कितना होगा, तीन पूरा कहते हैं, तीन पूरा होगा शायद। वो लून अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बड़ी बड़ा वाला मेरा पिछारी जो है मछली पालने का पिछारी बनाने वाला हूँ लाइफ टाइम के लिए। ये देखिए गाइस कितना लंबा है ना, ये देखो इधर से था, लेकिन यहाँ पर धान इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए ये मैं खुदाई करने वाला हूँ। अभी अप्लाई कर रहा हूँ लोन, अगर पास हो जाएगा लोन पिल इधर बनाने वाला है, बनने वाला है बड़ा पिछारी मेरा लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। और एक बात बताने वाला हूँ गाइस, आप लोगों को तो पता ही है हमारा गांव का एक यूट्यूब चैनल मैना को बोल के है, उसका भी यूट्यूब चैनल है, वो जो हमारा फिल्म मिसिंग एक्टर एक्ट्रेस का बायोग्राफी बनाता है उसका, वो क्या कहते हैं गूगल से या यूट्यूब चैनल क्या एप्शन पिन कहते हैं शायद, पता नहीं एप्शन पिन आ गया है ऐसा मैंने सुना है। और मैं उसको घर को आप लोग को दिखाने वाला हूँ, अभी मेरे भाई को फोन करके बोला मैं आ रहा हूँ ब्लॉक में दिखाना है बोल के। तो गाइस देखते हैं, अभी मैं मेर के ऊपर जा रहा हूँ, पहुँच गया मैं रोड, वाओ नेचुरल ब्यूटी देखो गाइस। ये साइड साइड पे ना हमारा सिमोलू का पेड़ था, सिमोलू कहते हैं पेड़ और हिंदी में क्या पेड़ कहते हैं, जो 16 में इतना बड़ा तूफान इतना धुमुआ कहते तूफान आया था, सब गिर गया था यार। यहाँ पर कम से कम 190 ऐसा कुछ पेड़ था, यहाँ पर पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता था यहाँ पर। अभी देखो कितना काली काली लग रहा है, देखो ओ ये घर एंट्री करने का हमारा रास्ता है, ये देख सकता है। और घर पे भी हमारा बागान दिखाऊंगा मैं, घर पे भी सब्जियों का बागान है तो मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। धमकल ट्रिबल, ये देखो यहाँ पर भी क्या क्या लगा हुआ है। दिस इज सूता सा बच्चा पीक, हेलो, यहाँ पर भी लगा हुआ है गाइस। मेरे घर के बगल में लगा हुआ ये कीड़ा था, ये देखिए जंगल हमारा है बेम्बो का बारी, उधर से ये बेम्बो काट के हम बारी ऐसा लगाते हैं, देखो यही हमारा दुनिया है गाइस। ये देख सकता है ये हमारा सीनरी कहते हैं, देखो लोकेशन है, ये देखो कितना ग्रीन है हमारा यहाँ पर, देखा अगर यहाँ पर बड़े बड़े पक्की घर होता ना कितना मस्त होता गाइस। देखो सीनरी देखो गाइस, अभी पैर से धो लेते हैं उसके बाद में मैना के घर जाने वाला है, बीजू एंटेक जरूर जारी रखना गाइस। फिलहाल अभी घर से मैं निकल चुका हूँ, पत्थर से आकर मैंने पैर से दूर लिया, उसके बाद में मैना के घर जा रहा हूँ गाइस। अभी एंट्री करने वाला हूँ मैना का घर, आप लोग को दिखाएगा मेरा ब्लॉगिंग यूट्यूब के जरिए। और ये देख सकता है उसका जीवन साथी, उसका वाइफ, हेलो को मैंने बता ही दिया था, मैना को बोल के एक यूट्यूब चैनल है, वो एक्टर एक्ट्रेस के बायोग्राफी के ऊपर वीडियो ब्लॉग बनाते हैं। सोगा उसके घर पे मैं पहुंच गया हूँ, अभी उसको मैं थोड़ा बाइट ले लेते हैं। सोगा इस मेरा आदमी क्या है, उसको क्या कहते हैं मुझे तुतलाता हूँ मैं, इतना भूल नहीं पाता, एब्सेंट पिन कहते हैं ना, एब्सेंट पिन है वो। मैना को आ गए ऑलरेडी, अभी मैना को मैं पूछने वाला हूँ ये कितना मेहनत करने के बाद ये आता है, उसी का इंतजार कर रहा होगा इस। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ तो मेरा भी जानने का इच्छुक हो रहा है, मन हो रहा है मेरा भी कब आएगा कब नहीं आएगा देखने का मन करता है, बहुत खुशियाँ होता है शायद अगर अमेरिका से ऐसा कुछ आ जाएगा तो। गाइस पूछ लेते हैं उसको और उसका जीवन साथी उसका भी देखो बाहर में करा है।
सो गाइस फाइनली आप लोग देख रहा है मेरा बगल में कौन है, ये मैना को सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत है। पहली बार होगा शायद मेरे गांव का ही है तू, फिर पास टाइम मेरे ब्लॉग में आ रहा है। मैना सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में तुमको स्वागत है और तुम्हारा परिचय दीजिए। कुमरुक सुडुंग वो तो बता ही दिया है, वो मेरा गांव से नहीं है, मेरा बगल में ये 300 मीटर दूरी पर है मेरा घर है। सो गाइस कोई बात नहीं, और मेहनत करने के बाद ही ये आता है। मैना मैं तुमसे एक पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा यूट्यूब चैनल ओपन किया हुआ कितना साल हो गया है? तो यूट्यूब चैनल खुली नाम मैं 1 वर्ष को ही कहा मैंने कम्प्लीट, 1 वर्ष मैंने वीडियो भी डाक दो ना, बाकी अदक 1 वर्ष समान को इका मोनिटाइज डाक दो, बाकी अदक मोनिटाइज इडाक पास तो डलार दो बनी था, डलार दो बनी था पास $10 की बिलाई पर $10 दो इमोल पाक अमेरिका बुक गूगल एडसेंस पी नाम नाम को वेरीफाई ना पर नंबर डम लग जा को बाकी सुपा फाइनली अरे एडसेंस पी नाम पातूं को रखे सुपा नल खुली ला लंका नहीं डरा दे ओको दूजी आप और एक बार गाइस मैं तो ये तो सीनियर है, मैं जूनियर हूँ, मुझे यूट्यूब चैनल के बारे में इतना मालूम नहीं है। ये आने के लिए क्या 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 होगा उसको मालूम होगा, कितना मेहनत किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए, कितना व्यूज होना चाहिए, वॉच टाइम कितना होना चाहिए, कितना कष्ट किया है तू? सर तो बार यूट्यूब चैनल लोग बार से गूगल एडसेंस तो लगा पर व्यूज वॉच टाइम तो बार कोनो कथा ना है, बाकी नोक का मोनिटाइज इना पर 2500 घंटा वॉच टाइम को लगी दाक, और सब्सक्राइबर तो अपने किन दाक 1000 को लगी दाक, बाकी और सब कोना पर मोनिटाइज इदाक पास तो $10 क्राइटेरिया होबो लागबो, $10 को इदाक पास से गूगल एडसेंस पिन दाक दाक को और ये एक्सेंस पिन एब्सेंस है एक्सेंस पिन एब्सेंस एक्सेंस ए डी एस एन सी यू एब्सेंस। सो मैं क्या पूछने वाला था भूल गया, मैं एब्सेंस बोलने से ही मेरा दिमाग एक्सेंस का मतलब है थोड़ा सा मैंने ट्रांसफर मैंने हाल फॉलो नहीं करा एक्सेंस तो है गूगल एक्सेंस गूगल एक्सेंस। क्या क्या ऊपर वीडियो बनाता है जरा बता दीजिए लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल के जरिए। आप लोग आपको तो किन्ने दाई सैम्पल से गूगल एडसेंस को गुडम कापिन वीडियो में मोला जे सैम्पल से गूगल एडसेंस को नो कापिन वीडियो में मोला नाम को जाए अरे आपको किन्ने दा गए। सो गाइस वो माने मिसिंग आर्टिस्ट को लोग मिसिंग एरिया से माने खदिया तो भुरुली बप अधिक मिसितानी दुजी अडक लोग पूरा मिसिंग आर्टिस्ट अधिक मिसिंग आर्टिस्ट माने जी कोनार बत्ता नागे गे ना आइना गे गे ना तानी को रकम बायोग्राफी लाइफस्टाइल विषय लुबिदा। और ये एक्सचेंज को आने के बाद तुम कितना हैप्पी हो, कितना खुशी हो? वो तो आई रूप में पता कारण सब वस्तु से ग्राहक पूरा लगे लगे पैसा गया पर धरे आरो पैसा लालेन ना पसिन धरे आरो सो आज को 2-3 दिनों पास होते बैंक एड नन ऑप्शन दे सी लेने पर बाकी गाइस आप लोगों तो मायना को के मुंह से बात सुनी लिया। तो हम यूट्यूब ओपन किया तो इसलिए तो किया है ना, अगर जिस काम के लिए हम ओपन किया था वही आ गया तो गुस्सा क्यों नहीं होगा? उससे पहले मेरा आएगा कि नहीं पता नहीं, कल किसने देखा आ भी सकता है नहीं आ भी सकता है, हम ट्राई करते रहेगा, हार नहीं मानेगा, हम भी यूट्यूबर से का मेंबर हो गया तो हम स्ट्रगल करते रहेगा। सो गाइस उससे पहले हम उसको ओपन कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग करो। वाओ उसी का हाथ से कराते हैं गाइस, और उसका बीबी हंस रही है देख, अनबॉक्सिंग ओपन करने वाला है मायना को। वाओ दग्गे लिखो मायना, वाओ थैंक यू। ओपन कर दिया है लेकिन वो उसका एब्सेंस पिन जो होता है वो तो बता नहीं सकता, वो कैसे अनबॉक्सिंग किया कैसे ओपन किया आप लोगों को तो देखा है गाइस। आवाज से होकर वस्तु को दुकान ना बता का कि तो नंबर हो को दो नंबर है से 100 को दो नंबर है ठीक है। वो ससुराल के अंदर कुछ होगा बोल के लेकिन अंदर सार अंक क्या कहते हैं क्या उसको अक्षर से अक्षर है वो 1-2-3-4 क्या संख्या पता नहीं। सो गाइस अभी उसका कुर्सी के और पे हम यहाँ पर क्या पीने वाला है, चाय चाय पीने वाला है। सो गाइस देखते हैं चाय क्या चाय पिलाते हैं, जाओ यू नो दीदी कॉफी चाय। सो गाइस अभी चाय ताय पी लिया, कांग्रेचुलेशन मायना भाई ब्रो,
मैंने आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल के जरिए जितना देखा पाया, आज केट के ऊपर देखा है, मेरा बाड़ी देखा है और मैना का घर देखा है। मैना का वो एसेंस भी आया था, उसके बारे में मैं आप लोग को दिखाया किसने क्या मेहनत करने के बाद आता है। सो गाइस जितना हो पाया आप लोग को देखने कुछ किया दिखाया। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छा नहीं लगा तो फिर भी आप लोग कर देना गाइस। और आज का वीडियो मैं यही से दायन करने वाला हूँ, यानी समाप्त करने वाला हूँ। मिसिंग रे गाम हिरोय, जय आय अहम, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय।